के प्रमुख ओवैसी ने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है और उनका कहना है कि स्थिति सामान्य नहीं जैसा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त बड़े ही तल्ख रवैये में नजर आए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त बयान दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कश्मीर में कोई सामान्य स्थिति नहीं है, अगर होती तो भी पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद तो सुप्रीम कोर्ट से वहां जाने के लिए मंजूरी लेने की कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया और उन्हें कश्मीर जाने की इजाज़त देने को कहा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा, जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट से कश्मीर यात्रा की अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों है? ये दिखता है कि कश्मीर में कोई सामान्य स्थिति नहीं है। अगर सरकार दावा करती है कि सब कुछ सामान्य है तो राजनीति क्यों नहीं की जा सकती? ओवैसी का इशारा कश्मीर में नज़रबंद नेताओं की तरफ है जो अनुच्छेद 370 के वक्त से नज़रबंद है। इसके साथ ही कश्मीर में बाहर के नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की प्रतिनिधि मंडल के साथ कश्मीर गए थे, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से उन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद CPIM नेता सीताराम येचुरी ने सुप्रीम कोर्ट से कश्मीर जाने की इजाज़त मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी, जिसके बाद सीताराम येचुरी कश्मीर गए, लेकिन वो सिर्फ अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद यूसुफ तरीगामी से मिल सके, उन्हें श्रीनगर में घूमने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो इस वक्त यह बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि स्थितियां सामान्य नहीं है, अगर सामान्य होती तो गुलाम नबी आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेने की क्या ज़रूरत थी। ओवैसी ने कहा कि सरकार सिर्फ दावा कर रही है सामान्य हालात की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। SPN 9 न्यूज़ के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।